ओके सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी एंड इन दिस पार्टिकुलर लेक्चर वे विद द डिजाइन ऑफ टेंशन स्प्लाइसिस एंड गसेट प्लेट सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेंशन स्प्लाइसिस के बारे में एंड गसेट प्लेट के बारे में एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ कॉम्पिटिशन मेंबर सो so, सबसे पहली बात कि सर डिजाइन ऑफ टेंशन स्प्लाइसिस की जरूरत क्या है है ना व्हाट इज द रिक्वायरमेंट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजाइन ऑफ टेंशन स्प्लाइसिस हम स्ट्रक्चर में क्यों यूज मिल लेते में लेते हैं यही आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ठीक है सो so, जनरली इसकी दो रिक्वायरमेंट है फर्स्ट स्प्लाइसिंग ऑफ ए टेंशन मेंबर इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग टू केसेस कब जरूरत पड़ेगा दो केसेस में इसकी जरूरत पड़ती है है ना पहला केस मैं डील करने जा रहा हूँ फर्स्ट केस है व्हेन रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंशन मेंबर व्हेन रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंशन मेंबर इज लेस देन द अवेलेबल लेंथ इज लेस देन द अवेलेबल लेंथ जो आपको रिक्वायरमेंट है जितना लेंथ आप आपका रिक्वायरमेंट है अगर उतना लेंथ नहीं है तो क्या करेंगे हम टेंशन एस्प्लाइसिस की हमें क्या कर, पड़ेगी जरूरत पड़ेगी

है ना तो वहां पर क्या था इट स्प्लाइसिस इज नथिंग बट इट इज द कवर प्लेट ये क्या है कवर प्लेट के तरह रोल है जो अदा करेगा यहाँ पे है ना जो रोल बट ज्वाइंट में कवर प्लेट का होता था वही क्या करेगा वही रोल है जो टेंशन स्प्लाइसिस यहाँ पे क्या करेगा अदा करेगा है ना सो so, दो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं टेंशन स्प्लाइसिस का यूज करते हैं केयरफुली इसको सुनना है बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको बताया जाएगा सो so, केयरफुली इसको सुनना है इस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जनरली एग्जाम में टू टू फोर मार्क्स में थ्योरी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज टेंशन गसेट प्लेट्स है ना ये सब थ्योरी क्वेश्चन जनरली पूछता है फोर मार्क्स में लेकिन कंपटीशन में इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है तो न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे करेंगे एक क्वेश्चन जरूर करेंगे सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हम लोग डील किए कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंशन मेंबर मेंबर जब उसका थिकनेस अलग अलग होगा जो भी दो एंगल सेक्शन या आई सेक्शन या चैनल को आप एड करने जा रहे हैं उसका क्या होगा दोनों का थिकनेस यदि अलग अलग होगा और आपको तो पता है यदि थिकनेस अलग अलग होता है तो वहां पे पैकिंग प्लेट है जो पिक्चर में आता है है ना वहां पे पैकिंग प्लेट है जो पिक्चर में आता है और पैकिंग प्लेट का डिजाइन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं है, है कि नहीं सो स्प्लाइसिंग ऑफ टेंशन मेंबर कब यूज करेंगे फर्स्ट केस वेन इज लेस देन अवेलेबल लेंथ एंड सेकेंड केस वेन टू लेंथ ऑफ टेंशन मेंबर में डिफरेंट कोसेन डिफरेंट कोसेक्शन कहने का क्या मतलब है डिफरेंट कोसेक्शन कहने का मतलब है कि आपका थिकनेस ऑफ प्लेट होगा क्या होगा डिफरेंट होगा अलग अलग होगा है ना अगर ऐसा दो केस बनता है तो हम क्या करेंगे टेंशन स्प्लाइस प्रोवाइड करेंगे टेंशन स्प्लाइस क्या करेंगे प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर टेंशन स्प्लाइसेस आर प्रोवाइडेड जो भी हम मेंबर को ज्वाइंट करेंगे उसके दोनों तरफ क्या करेंगे हम कवर प्लेट प्रोवाइड करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे कवर प्लेट प्रोवाइड करेंगे चाहे वो एंगल सेक्शन हो अभी पिक्चर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा

सो दमेशन ऑफ बर्ड ज्वाइंट टेक प्लेस ताकि क्या हो सके बर्ड ज्वाइंट का फॉर्मेशन हो सके है नहीं? Now, अब मैं एक पिक्चर बनाने जा रहा हूं इसको ध्यान से देखना है दो एंगल सेक्शन है इसको आपको क्या करना है टेंशन स्प्लाइसेस की हेल्प से आपको एड करना है दो एंगल सेक्शन में बनाने जा रहा हूं एक सेक्शन हुआ एक एंगल सेक्शन हुआ जब साइड व्यू देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा दूसरा आपका मैं कलर चेंज कर देता हूं चलो सेम कलर यूज करते हैं दूसरा एंगल सेक्शन आपका ए रहा यह दोनों को क्या करना है ऐड करना अभी अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप क्लियर हो जाएगा देखिए एक्चुअल में कैसा है एक्चुअल में आपका ये है एक्चुअल में देखिए कैसा है ये कुछ इस तरह से है, है कि नहीं जब यहां पे देखेंगे इस पार्ट को बनाएंगे तो लाइन दिखेगा यहां से आप इसको विजुलाइज कर रहे हैं इधर से आप इसको क्या कर रहे, है? कर रहे हैं विजुलाइज कर रहे हैं आपका आई कहीं यहाँ पे है यहाँ पे आपका क्या है आई है तो यहां से जब देखेंगे तो ये पोर्शन तो आपको लाइन दिखेगा तो ये लाइन बना दिए है, है ना लाइन बना दिए इसी है, है? तरह से कितना है दो एंगल सेक्शन है, ठीक है दो एंगल सेक्शन ठीक है और ये क्या है एक सिंपल प्लेट दिखेगा सिंपल प्लेट दिखेगा तो ये हो गया है, है ना रेक्टेंगल दिखेगा अब देखिए इस दोनों एंगल सेक्शन को क्या करना हमको ऐड करना है दोनों एंगल सेक्शन को क्या करना ऐड करना ठीक है तो इसको ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं बताइए एक तो तरीका ए है एक तो तरीका ए है कि हम क्या करें एक स्मॉलर एंगल सेक्शन ले इनर साइड में है ना किस तरह से देखिए देखिए कैसे इस तरह से और यहां पे क्या कर दें रिवेटिंग करें इस तरह से क्या कर दें इसको रिपीटिंग कर दें है ना यहां भी आएगा रिपीट यहां भी क्या आएगा रिपीट आएगा ठीक है इसी पिक्चर को अगर हम यहां पे दिखाएं तो इन इनसाइड हम प्रोवाइड किया एंगल सेक्शन सही से समझना है इस तरह से एक छोटा सा एंगिल Inside है जो प्रोवाइड किए हैं और सेम है जो इसके क्या होगा अपर साइड में भी एक एंगल तो तो की तो एक एक होगा अंदर से होगा अंदर से प्रोवाइड करेंगे और एक है जो क्या करेंगे बाहर से इस तरह से प्रोवाइड करेंगे।, करेंगे और एक है जो बाहर से प्रोवाइड करेंगे फिर उसको क्या कर देंगे रिबिटिंग कर देंगे उसको क्या कर देंगे तो अंदर से प्रोवाइड कर दी है हाँ ना उसी तरह से एक क्या होगा बाहर से भी प्रोवाइड करेंगे एक बाहर से भी प्रोवाइड करेंगे है हाँ ना वो कैसे देखिए एक है जो बाहर से प्रोवाइड किए अब क्या करेंगे इसको रिवेटिंग कर देंगे है ना यहां पे आप एक रिबेट यहां पे दीजिए और एक रिवेटिंग है जो यहां पे करेंगे है ना तो ये तो आपका हो गया जो रेड वाला है वो क्या हो गया मेन एंगल हो गया ये आपका क्या हो गया मेन एंगल एंगल सेक्शन मेन एंगल सेक्शन आप ऐसा भी कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेट यूज करें डिफरेंट डिफरेंट प्लेट यूज करें वो कैसे इसको देखिए मैं बना के बताता हूं एक तरीका तो यह है कि एक अंदर एक बाहर एंगल सेक्शन प्रोवाइड किए और उसके बाद रिवेटिंग कर दिए दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका क्या है देखिए दूसरा तरीका ये है और और ये आपका हो गया मेन एंगल सेक्शन ये हो गया मेन एंगल सेक्शन अब ऐसा करते हैं कि एक प्लेट है जो इनसाइड प्रोवाइड कर देते हैं एक प्लेट है जो इनसाइड प्रोवाइड कर देते हैं एक हुआ ये हुआ, हुआ इनसाइड प्लेट ऊपर से भी प्लेट प्रोवाइड करेंगे से भी क्या करेंगे प्रोवाइड करना पड़ेगा ये क्या हो रहा है डबल कवर बर्ड ज्वाइंट की तरह हो जाएगा डबल कवर बर्ड ज्वाइंट की तरह होगा हो है ना एक है जो साइड में प्रोवाइड कीजिए साइड में प्रोवाइड किए अब क्या करेंगे इसको रिवेटिंग कर देंगे अब इसका क्या करेंगे रिवेटिंग कर देंगे ये क्या हो गया रिवेटिंग हो गया एक रिपेट यहां पे और एक रिपेट यहां पे तो इसमें क्या किए प्लेट यूज किए इसमें आप प्लेट यूज किए है ठीक और इसमें क्या किए हैं दो एंगल सेक्शन यूज किए हैं दो एंगल सेक्शन यूज किए एक इनसाइड एक आउटसाइड है ना आउटर एंगल और इनर एंगल और यहां पे क्या किए प्लेट यूज किए तो समझ में आ गया होगा आपको तो यहाँ पे क्या किए मतलब एक तरह से ये जो प्लेट है वो कवर प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है और जो स्मॉलर एंगल जो दो यूज किए वो क्या है भी कवर प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसको क्या नाम दिया गया टेंशन, से इसको जाना जाता है नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान से देखिए दो आई सेक्शन है क्या है दो आई सेक्शन है ठीक है दो आई सेक्शन है इसमें कुछ इधर लोड लग रहा होगा इसमें कुछ ए साइड लोड लग रहा होगा यहां पे पी मान लेते हैं अब ये दोनों को क्या करना है हमें ऐड करना है टेंशन so, स्प्लाइसेस के हेल्प से क्या करना है कनेक्शन करना है कनेक्शन करना है तो देखिए क्या किया है यहां पे देखिए क्या किया है दोनों एंगल सेक्शन को क्या क्या है, है? सबसे पहले एक प्लेट है जो बेब में यूज किया है कहां पे यूज किया है बेब में ये वाला पार्ट क्या है बेब है इसको क्या बोलते थे बेब बोलते थे और इसको क्या बोलते थे प्लेंज बोलते थे बहुत पहले पढ़े थे है ना इसको प्लेन्ज बोलते थे तो एक प्लेट है जो बेब में यूज किया है यहाँ पे देख सकते हैं आप और बाकी है जो टॉप और बॉटम में है जो यूज किया गया है एक प्लेट टॉप में एक प्लेट बॉटम में है ना अगर ध्यान से देखा जाए तो यही क्या है आपका स्प्लाइसेस है इसी को क्या बोले हैं स्प्लाइसेस प्लेट को है ना एक टॉप में है एक बॉटम में उसके बाद क्या रिबिटिंग भी कर सकते हैं बोल्टिंग भी कर सकते हैं यहां पे बोल्ट यूज किया गया है है ना टॉप लिख देता यहां पे क्या है यहां पर भी देखिए स्प्लाइसिंग किया गया है ए और ए स्प्लाइसिस एट बॉटम बॉटम फ्लेंज लिख देता हूं ज्यादा क्लियर होगा बॉटम फ्लेंज और यहां पे टॉप फ्लेंज अब तो क्लियर है और एक क्या है स्प्लाइसेस एट बेव स्प्लाइसेस एट बेव है कि नहीं अब क्लियर है इसी तरह से एक प्लेट और क्या होगा इसके पीछे होगा एक प्लेट इसके पीछे होगा जो हमें दिख नहीं रहा है कि नहीं तो दोनों प्लेन्ज पे भी प्लेट आएगा इन साइड और आउट साइड देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है बेब, बेब पे क्या है एक प्लेट पुट रखा गया है और इसके पीछे भी एक प्लेट है जो होगा है ना और उसके बाद क्या करेंगे बोल्टिंग या रिवेटिंग के हेल्प से इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे ठीक है तो ये तो था किसके बारे में टेंशन स्प्लाइसेस के बारे में अब देखिए एक फिगर और बनाते हैं जो हम लोग पहले बनाते थे है ना सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल नंबर इसको टू बोल देता हूँ इसको एग्जाम्पल नंबर थ्री बोल देता हूँ जो अब मैं देने जा रहा हूँ है ना ये तो पहले से आपको पता है देखिए एक प्लेट ए हो गया है ना दूसरा प्लेट मान लेते हैं दूसरा प्लेट मान लेते हैं कि इससे थिकनेस कम है उसका उसका थिकनेस क्या है इसे कम है तो इस केस में हम क्या करेंगे इस केस में आपको पैकिंग प्लेट यूज करना पड़ेगा देखिए ये क्या है पैकिंग प्लेट है ये क्या है ये पैकिंग प्लेट है अब क्या होगा कवर प्लेट यूज करना पड़ेगा टॉप और बॉटम में उसके बाद क्या करेंगे रिवेटिंग करेंगे उसके बाद क्या करेंगे रिवेटिंग करेंगे तो एक रिवेट आप इधर प्रोवाइड कर दीजिए लेफ्ट साइड में और एक है जो राइट साइड में राइट साइड में इसको क्या बोलेंगे इसी को क्या बोलेंगे? स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग और कवर प्लेट और इसको बोलते थे कवर प्लेट्स है ना इसको बोलते हैं पैकिंग प्लेट इसको क्या बोलते हैं पैकिंग प्लेट ये क्या हो गया पैकिंग प्लेट है ना पैकिंग प्लेट पैकिंग प्लेट आप चाहे तो आपको पता है कि यदि कवर प्लेट का दोनों मेन प्लेट का थिकनेस का डिफरेंस है जो सिक्स एमएम mm से यदि ज्यादा होता है सिक्स एमएम mm से यदि ज्यादा होता है कहने का मतलब है कि यदि टी वन है और ये टी टू है कुछ याद है तो मैंने बताया था कि टी वन माइनस टी टू यदि ग्रेटर देन सिक्स एम mm होगा ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स एम होगा तो क्या करते हैं एडिशनल रिबेट यूज करते हैं कहां पे पैकिंग प्लेट पे एडिशनल रिवेट ए वाला एडिशनल रिवेट यूज करते हैं कहां पे पैकिंग प्लेट पे है ना ए वाला एडिशनल रिवेट यूज करते हैं कहां पे Packing plate पे। तो क्वेश्चन अभी करेंगे ज्यादा क्लियर होगा एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले किए थे इस पे सो so, इसको नाम दे दिया क्या एडिशनल रिवेट एडिशनल रिवेट्स इसको बोला गया एडिशनल रिवेट्स और ये क्या होगा, होगा main plate, main तो ये ये होगा मेन मेन प्लेट प्लेट्स तो तो था आपका टेंशन के बारे में है ना आप लोग पहले भी हो सकता है कहीं पढ़े होंगे लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे है ना इतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे अब देखिए अब इस पर क्वेश्चन कीजिए जनरली सेमेस्टर एग्जाम में है जो क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर ये थ्योरी पार्ट पार्टी पूछेगा तो आपको क्या करना है जितना भी थ्योरी बताया गया है वो थ्योरी लिखना है एग्जाम में फोर मार्क्स में जब आएगा तो और पिक्चर बनाना है क्या बनाना है फिगर बनाना है दो तो, ठीक है so, question question है सो क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए जो आपका जनरली कंपटीशन में पूछता है कहता है डिजाइन ए टेंशन स्प्लाइसिस का डिजाइन पूछेगा आपको एग्जाम में टू कनेक्ट टू प्लेट्स ऑफ साइज थ्री हंड्रेड इंटू एटीन एम एम एक प्लेट कितना है थ्री हंड्रेड इंटू एंड सेकेंड प्लेट है तो यहां पर क्या देख रहे हैं कोर्सेक्शन एरिया है जो डिफरेंट है दोनों तो का एरिया क्या है डिफरेंट है तो हमें टेंशन स्प्लाइसिस की जरूरत पड़ेगी है design, 3 कितना के लिए डिजाइन करना है अप्लाइड लोड कितना है तीन सौ दस किलोमीटर है ना तीन सौ दस किलोमीटर के लिए हमको डिजाइन करना है टेक परमिशिबल बेयरिंग एंड शेयरिंग स्टेसिस का नाइनटी मेगा पास का एक्सियल स्ट्रेस है जो वन फिफ्टी मेगा पास करे इसका मतलब क्या हुआ सेवन नाइनटी मतलब मतलब है फील्ड रिबेट है आपको एनालाइज करने आना चाहिए अब इसका क्या करेंगे हम लोग सोलूशन करेंगे बात है। है। आप लोग पहले भी किए हैं ऐसा बात नहीं है कि नहीं कि? पैकिंग प्लेट का जब डिजाइन पढ़ा रहे थे बहुत पहले तो वहां पर हम लोग किए थे बट स्टार्ट कर क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले गिवन डेटा लिखिए क्या क्या दिया हुआ है सिग्मा पीएफ दिया हुआ बेरिंग स्ट्रेस कितना टू सेवेंटी उसके बाद टाव भी है दिया हुआ शेयरिंग स्ट्रेस कितना 90 मेगा पास का और क्या दिया हुआ सिग्मा एटी दिया हुआ कितना वन फिफ्टी मेगा है ना वन फिफ्टी मेगा क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले आपको थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट निकालिए क्योंकि दोनों का थिकनेस क्या है अलग अलग है एक का क्या है एटीन एम mm है दूसरा का टेन एम mm है तो सबसे पहले है जो थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट निकालेंगे है ना चुकी डिफरेंट प्रोसेक्शन है, है ना तो इस केस में क्या है वी आर बाउंड टू यूज द पैकिंग प्लेट है ना हम लोग क्या है हम लोग को यूज करना ही पड़ेगा पैकिंग प्लेट का सो थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट निकालिए थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट क्या होगा टी वन माइनस टी टू तो t1 कितना 18 माइनस टी टू कितना 10 है कि नहीं 18 माइनस टेन कितना हो गया 8 mm यानी 8 mm का क्या करना पड़ेगा हमें प्लेट यूज करना पड़ेगा 8 mm का प्लेट यूज करना पड़ेगा सेकेंड थिंग थिकनेस ऑफ स्प्लाइस प्लेट जो आप स्प्लाइस प्लेट यानी कवर प्लेट जो यूज करेंगे उसका थिकनेस क्या होगा है ना सो सेकेंड थिंग निकाल लेते हैं थिकनेस ऑफ स्प्लाइस प्लेट यहाँ पे स्प्लाइस प्लेट बोलेंगे थिकनेस ऑफ स्प्लाइस प्लेट स्पाइट स्प्लाइस और और यू कैन से कवर प्लेट कवर प्लेट्स है ना क्या होगा बताइए थिकनेस ऑफ स्प्लाइस प्लेट और कवर प्लेट क्या होता था याद है ग्रेटर देन इक्वल टू मैं याद दिलाता हूँ फाइव बाई एट इंटू फाइव बाई एट इंटू क्या होता था थिकनेस ऑफ मतलब मिनिमम टी मिनिमम किसका मेन प्लेट का इसका मेन प्लेट का ठीक है यानी क्या हो जाएगा ग्रेटर टू फाइव बाई एट इन t मिनिमम मेन अब बताइए दो मेन प्लेट है एक का है एक, का एक का है, तो दोनों टेन एम एम है तो टेन एम एम हो गया इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव आएगा है ना सिक्स पॉइंट फाइव आएगा यानी जो भी आप कवर प्लेट यूज करेंगे उसका थिकनेस क्या होना चाहिए 6.5 से ज्यादा होना चाहिए 6.5 से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए सो लेट प्रोवाइड 8 एमएम mm. अब आपके मन के ऊपर है कोई 10 एमएम भी प्रोवाइड कर सकता है कोई 8 एमएम भी प्रोवाइड कर सकता है है ना 10 एमएम भी प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि डिजाइन का क्वेश्चन है तो गलती गलत किसी का नहीं होगा है ना सो लेट प्रोवाइड प्रोवाइड एट स्प्लाइस प्लेट एट एम स्प्लाइस प्लेट ठीक है नाउ, एट एम स्प्लाइस प्लेट बोथ साइड है ना बोथ साइड क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों में प्रोवाइड करना पड़ेगा टॉप और बॉटम दोनों में प्रोवाइड करना पड़ेगा है ना चलिए थर्ड थर्ड क्या निकालेंगे आप नॉमिनल डाई ऑफ रिवेट निकालेंगे, निकालेंगे फाइव है ना तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो वन अंडर रूट टी मिनिमम अंडर रूट टी मिनिमम तो क्या होगा सिक्स पॉइंट जीरो वन अंडर रूट कितना टी मिनिमम कितना हो गया टेन हो गया तो यहां से जब सोल्व करेंगे तो आएगा उन्नीस पॉइंट mm. so, क्या ले लें ट्वेंटी एम एम ले लें ट्वेंटी एम एम ले लेते हैं है ना फाइव बराबर कितना ले लेते हैं बीस एम एम ले लेते हैं तो so, डी कितना हो जाएगा बताइए सो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ट्वेंटी प्लस वन पॉइंट फाइव क्लियरेंस पॉइंट फाइव लेना पड़ेगा ट्वेंटी तो अब आगे क्या करेंगे हमें रेबेट वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा रेबेट वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रेबेट यदि निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा रिबेट वैल्यू निकालना पड़ेगा है ना टोटल डिवाइडेड बटा रिबेट वैल्यू करेंगे तो सबसे पहले रेबेट वैल्यू निकालना पड़ेगा है ना तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज रेब वैल्यू नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा रिवेट वैल्यू रिवेट वैल्यू किसे डिनोट करते थे बी से डिनोट करते थे है ना तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा दोनों में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा आर भी होगा ये सब आपको पता है तो सबसे पहले क्या लें स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग जिसको क्या लिखते थे पीएस लिखते थे है ना तो चूंकि डबल कवर बेड ज्वाइंट हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो क्या होगा ए डबल सीयर में केस होगा दिस इज द केस ऑफ डबल सीयर है ना तो क्या लिखें टू इन टू फाइव बाई फोर इन डी स्क्वायर इंटू टाउ भी है यही होता था ना यही होता था चलिए तो पी एस बराबर क्या हो गया टू इंटू फाइव बाई फोर इंटू ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव का होल स्क्वायर इंटू टाओ भी है कितना है नाइन्टी है है ना किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो अब थाउजेंड से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए तो किसमें आंसर आएगा किलो न्यूटन में आएगा जब इसको सोल्व करेंगे देन आफ्टर सोल्विंग गेटिंग सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री वन फाइव फाइव पॉइंट थ्री वन फाइव किलो न्यूटन अब क्या करेंगे बैरिंग निकालेंगे है ना स्ट्रेंथ ऑफ बैरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बैरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन bearing. bearing है ना? इसको क्या बोलते थे पीबी बोलते थे इसको हम लोग पीबी बोलते थे so, पीबी बराबर क्या होगा पी बराबर होता था डी इंटू टी इंटू सेगमा पी एफ ये सब आपको आता है सबका वैल्यू रख दीजिए डी कितना है ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव

एफ कितना टू सेवेंटी थाउजेंड से डिवाइड कर दीजिए तो किसमें आ जाएगा किलो न्यूटन में आ जाएगा कितना आ रहा, रहा? 58 .05. 58 .05 किलो है ठीक है इसीलिए रिवर्ट वैल्यू क्या हो गया बताइए रिवर्ट वैल्यू क्या हो गया जो दोनों में मिनिमम होगा जो दोनों में मिनिमम होगा तो दोनों में मिनिमम क्या है ए वाला मिनिमम है पीबी तो फिफ्टी एट पॉइंट जीरो फाइव किलोन्यूटन एक क्या हो गया आपका रिवेट वैल्यू हो गया सो नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं इसीलिए नंबर ऑफ नंबर ऑफ रिवेट क्वायर्ड कितना होगा पी बटा आर भी ये सब पुरानी बातें हैं पी कितना है थ्री वन जीरो किलोमीटर डिवाइडेड बटा आर भी कितना है फिफ्टी एट पॉइंट फिफ्टी एट पॉइंट जीरो फाइव अप्रोक्सीमेटली ए आ रहा है सोल्व करने के बाद कितना ए आ रहा है फाइव पॉइंट थ्री फोर फाइव पॉइंट थ्री फोर किलो सॉरी फाइव पॉइंट थ्री फोर है ना, क्या हो सकता? Fraction तो नहीं हो सकता सकता, है तो तो नहीं कितना हो Six number of use करना हो, कितना होगा? होगा, होगा? होगा, करना करना हो, करना ठीक है ये हो गया क्या एन हो गया मतलब एन इज कल टू तो कितना आ गया सिक्स आ गया ठीक है अब देखिए एडिशनल रिवेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी क्योंकि टी वन माइनस टी टू क्या है टी वन माइनस टी टू कितना आया था एट एम एम आया था जो कि क्या है ग्रेटर देन सिक्स एम एम है सिक्स एम एम है ना हेंस एडिशनल रिवेट रिक्वायर्ड एडिशनल रिवेट की जरूरत पड़ेगी प्लेट पे, पे है ना इसलिए क्या करना पड़ेगा एडिशनल रिवेट की जरूरत पड़ेगी हेंस Hence, additional rivet required. Rivet required on packing plate on packing plate. इसकी संख्या कितना मान लेते हैं एंडेस मान लेते हैं आपको कुछ याद है मैं बोला था कि 2.5 परसेंट के लिए प्रत्येक 2 एम mm के लिए 2.5 परसेंट टू परसेंट क्या होता था शेयरिंग स्ट्रेस में इंक्रीमेंट लेते थे है ना सो so, एंडेस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताता हूँ 2.5 पॉइंट मतलब 2.5 पॉइंट फाइव किसके लिए है प्रत्येक टू एम mm, इंक्रीमेंट के लिए तो टोटल इंक्रीमेंट कितना है जो आप सोल्व करेंगे तो आएगा जीरो पॉइंट सिक्स बट नंबर ऑफ रिफेटर है ना नंबर ऑफ नहीं हो सकता तो कितना लेना पड़ेगा बताइए ऑलमोस्ट एक रिवेट आएगा कितना आएगा यानी एक रिवेट है जो कहाँ पे आएगा पैकिंग प्लेट पे आएगा पैकिंग प्लेट पे आएगा ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं है ना नाउ अब क्या कीजिए अब इसको फिगर बनाइए अब इसको फाइनल टच देने जा रहे हैं फिगर बनाने जा रहे हैं ये तो हो गया मेन प्लेट और क्या बनाए पैकिंग प्लेट बनाना पड़ेगा पैकिंग प्लेट बनाना पड़ेगा ये हो गया पैकिंग प्लेट है कि नहीं पैकिंग प्लेट हो गया कवर अब देखिए हमें क्या करना है रिबेट प्रोवाइड करना है ठीक है तो एक रिबेट यहां पे प्रोवाइड करना है एक रो पर प्लेट सिक्स रिबेट आया था पर प्लेट कितना आया था सिक्स रिबेट आया था और एक रिबेट कहां पे आएगा पैकिंग प्लेट पे आएगा यहां पे आएगा है ना अभी इसका प्लान भी बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा ठीक है, स्प्लाइसेस so, mm हो गया ये तो क्या हो गया ए ट एम एम स्प्लाइसिंग एट एम एम स्प्लाइसिंग क्या हो गया इसका लोड इधर से लग रहा था पी पी अभी देखिए इसमें बहुत चीज समझने वाली बात है इसका थिकनेस कितना था इसका थिकनेस था 18 एम mm. इसका थिकनेस कितना था 10 एम mm. 10 टेन mm. है ना? 10 एम mm. अब देखिए, यहाँ पे 8 एम mm पैकिंग प्लेट यूज किए हैं क्या किए हैं ये आपका क्या है 8 एम mm पैकिंग प्लेट ंग प्लेट अब इसका टॉप व्यू बनाइए तो ज्यादा क्लियर होगा है ना टॉप व्यू बनाने से क्या होगा ज्यादा क्लियर होगा एक प्लेट हो गया दूसरा प्लेट आपका प्लेटे हो गया है ना यहां पे डॉटेड होगा है ना? यहां पे क्या होगा डॉटेड होगा डॉटेड होगा सिक्स रिफेट आया था टोटल तो सिक्स रिबेट प्रोवाइड कर दीजिए वन टू थ्री वन टू सिक्स रिबेट पर प्लेट आया था वन टू ठीक और क्या आएगा और यहां पे, एक रिपेट यहां पर भी आएगा एक रिबेट आपका यहां पर भी आएगा है ना पैकिंग प्लेट पे भी एक रिबेट आएगा ना एक रिपेट है जो पैकिंग प्लेट पे आएगा संभेर यहां पे एक रिपेट है जो यहां पे आएगा पैकिंग प्लेट पे सो अब देखिए जो भी आपने डिजाइन किया है उसको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा उसको चेक करना पड़ेगा कि ये सेफ है या नहीं है है ना तो हम लोग डिजाइन किसका किए हैं स्प्लाइसिस का किए हैं, मतलब कवर प्लेट का डिजाइन किए हैं, और कवर प्लेट के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो क्या होता है कुछ याद है कवर प्लेट के लिए देखिए मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कुछ इसको अगर मैं वन वन, वन बोलूं, इसको वन वन, वन बोलूं, और इसको टू टू इसको टू टू बोलू तो कवर प्लेट के लिए जो आपका क्रिटिकल सेक्शन होता वो क्या होता था वन वन होता था मैंने बोला तो बताया था बहुत पहले बहुत अच्छा से इसका इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था है ना क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है अंदर है ना तो कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन कौन होगा वन वन होगा ठीक है तो हमको चेक करना पड़ेगा इसका साइज क्या है जी टू फिफ्टी इंटू टेन एम एम और इसका साइज कितना है थ्री हंड्रेड इंटू एटीएम है ना सो so, हमको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा हमको चेक लगाना पड़ेगा कि जो हमने डिजाइन किया है वो सेफ है या नहीं है तो चेक कर लेते हैं लास्ट स्टेप यही होगा चेक कर लेते हैं ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लाइस प्लेट कहां पे निकालेंगे क्रिटिकल सेक्शन पे स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लाइस प्लेट एट क्रिटिकल सेक्शन और इस केस में क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा वन वन होगा कवर प्लेट के लिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बहुत है ना जो इनसाइड होता है वो क्या होता है कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल होता है टूटिव क्या होता है मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल होता है है ना ये सब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत पहले हम लोग दे चुके हैं ठीक है तो निकाल लेते हैं और चूंकि दो कवर प्लेट है एक ऊपर से है एक, एक टॉप से है एक बॉटम से है एक टॉप से और बॉटम से है तो क्या लिखेंगे टू इंटू टू इंटू बी माइनस एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा एटी सबका वैल्यू पुट कर दीजिए टू इंटू बी कितना बी कितना टू फिफ्टी वाला लेंगे टू फिफ्टी है ना क्योंकि एरिया इसी का कम है माइनस थ्री नंबर ऑफ बोल्ट कितना वन वन पे इंटू डी कितना ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव है ना इंटू टी कितना टेन इंटू सिटी कितना वन फिफ्टी इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो थाउजेंड से क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए है ना इसको सोल्व करने के बाद ये आ रहा है चार सौ पैतालीस पॉइंट टू किलोमीटर आफ्टर सोल्विंग यूलटिंग फोर फोर फाइव पॉइंट 2 किलो न्यूटन जो कि क्या है ग्रेटर देन जो कि ग्रेटर देन क्या है 310 किलो न्यूटन क्या बात है है ना इसका मतलब हुआ कि जो आपने कवर प्लेट डिजाइन किया है वो मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है वो मैक्सिमम लोड ले सकता है 445.2 किलो न्यूटन जो कि हमको ट्रांसफर कितना कराना है 310 किलो न्यूटन हेंस ये क्या है सेफ है ये तो बहुत अच्छी बात है हेंस सेफ एंड Safe and, क्या? Okay. Safe and, okay. है कि नहीं? तो ये आपका complete design था किसका Tension का, जो कि जनरली आपका कंपटीशन जब देंगे वहां पे पूछेगा है ना सेमेस्टर एग्जाम में सिर्फ थ्योरी पोर्शन पूछेगा चलिए आगे अब एक छोटा सा टॉपिक बच गया है फोर मार्क्स में भी पूछता है गसेट प्लेट के बारे में गसेट प्लेट के बारे में बहुत सिंपल है देखिए बहुत बार हम लोग इसका नाम सुने हैं है ना गसेट प्लेट so, हम लोग क्या करेंगे इसको सिर्फ थ्योरेटिकल डील करेंगे से सिर्फ ही आता है. Plate, है ना? तो इसके बारे में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे सबसे पहली बात कि गसेट प्लेट होता क्या है, है ना गसेट प्लेट क्या होता है तो देखते हैं कता है कि गसेट प्लेट इज ए प्लेट क्या होता है एक प्लेट होता है टू मेक कनेक्शन एट द प्लेस वेयर वेयर मोर देन ना इसका एग्जाम्पल क्या है ये सबको क्या करेंगे हम लोग अभी इसका फिगर के साथ देखेंगे ठीक है तो सबसे पहली बात की डेफिनेशन आपको याद करना है प्लेट क्या है एक प्लेट है

जितने भी ट्रस्ट पे मिल रहे हैं उसका लाइन ऑफ एक्शन यदि नहीं करेगा तो क्या होगा मोमेंट जनरेट हो जाएगा अगर कुछ डेवलप हुआ तो के कारण क्या होगा मोमेंट डेवलप होगा और हम लोग कभी भी स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल मोमेंट है जो एक्सटर्नल मोमेंट को क्या करते हैं अवॉइड करते हैं है ना मोमेंट को क्या करते हैं अवॉइड करते हैं ठीक है, है? इसीलिए पॉइंट लिखा गया है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ट्रस्ट मेंबर्स मीटिंग एट ए ज्वाइंट आरज्यूम टू बी बीडेड एट ए पॉइंट पॉइंट फिगर बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा है कि नहीं जितना भी मेंबर ज्वाइंट हो रहा है तो सारा का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा एक पॉइंट पे मीट करेगा ताकि कोई भी का डेवलपमेंट ना हो और जब डेवलप नहीं होगा तो मोमेंट क्या होगा जीरो होगा है ना और यही तो हम चाहते हैं स्ट्रक्चर तो में हम चाहते हैं कि मोमेंट क्या हो जाए जीरो हो जाए ना मूव टू द नेक्स्ट वन द साइज एंड शेप ऑफ द गसेट प्लेट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द गसेट प्लेट डिपेंड्स ऑन अ स्पेस अवेलेबल फॉर कनेक्शन एंड इट्स रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड करेगा है ना पता है कि कितने साइज और किस शेप का गसेट प्लेट यूज करना है ये किस बात पे डिपेंड करती है ये इस बात पे डिपेंड करती, करती है कि कितना स्पेस अवेलेबल है जहां पे हम कनेक्शन कर रहे हैं वहां पे स्पेस कितना अवेलेबल है दूसरी बात कि हमें किस टाइप की रिक्वायरमेंट है है ना किस टाइप किस शेप का वहां पे रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट पॉइंट देखिए कुछ नहीं थ्योरेटिकली इसको डील करना है बस

एंड बेंडिंग स्ट्रेस होगा चूंकि हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो ही जाता है कुछ ना कुछ बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो ही जाता है है ठीक तो जो भी गसेट प्लेट का डिजाइन होता है वो किसके किसके लिए होता है सीयर स्ट्रेस के लिए डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए एंड बेंडिंग स्ट्रेस के लिए है ना तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है ये लास्ट का दो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गसेट प्लेट इज सब्जेक्टेड टू तो सीयर स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस सो तीनों स्ट्रेस आता है तीनों स्ट्रेस आता है ऑब्जेक्टिव मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन नाउ अब देखिए यहाँ पे देखिए तीन चैनल सेक्शन मिट कर रहा है ना एक चैनल सेक्शन ए हुआ लेफ्ट में एक राइट में एक यहाँ इसको देखना है सबका लाइन ऑफ एक्शन क्या है इस कॉमन पॉइंट पे सारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है मिट कर रहा है ना? इसका लाइन ऑफ एक्शन ए है इसका लाइन ऑफ इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ए है

ये क्या है आपका गसेट प्लेट है ये क्या है प्लेट है और देखिए नेक्स्ट देखिए यहां पे देखिए इस फिगर में देखिए यहां पे क्या है एक आई सेक्शन है आई सेक्शन का सबसे पहले कनेक्शन किया गया है गसेट प्लेट से ये आपका क्या है गसेट प्लेट है एक ही बार पढ़िए लेकिन पूरा डिटेल में पढ़िए है ना यहां पे देखिए तीन एंगल सेक्शन जोड़ा गया है एंगल सेक्शन एक दो और तीसरा ये है है ना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन एंगल सेक्शन जोड़ा गया है किसके हेल्प से बोल्ड के हेल्प से जोड़ा गया है तो तीनों का लाइन ऑफ एक्शन इस केस में भी क्या एक एक पॉइंट पॉइंट पे 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 कर कर रहा पे कर रहा है नहीं देखिए लाइन ऑफ एक्शन कुछ इधर आ जाएगा इससे कहीं पे इधर आके मिलेगा और यहाँ से कहीं है जो इधर जाके मिलेगा सेम पॉइंट पे मिलेगा ठीक है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ही बोल्ट दिखाया गया है लेकिन क्या है तीनों कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहा है लाइन ऑफ एक्शन है ना सबका लाइन ऑफ एक्शन क्या है कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहा है है कि नहीं? No. यहाँ पे देखिए लास्ट फिगर देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है यह नंबर ऑफ सेक्शन आके इस गसेट प्लेट से मिल रहा है, क्या है गसेट प्लेट एक क्या है गजेट प्लेट ए क्या है ये नंबर ऑफ सेक्शन यहाँ पे सेक्शन आके मिल रहा है एक ए हो गया दूसरा इधर हो गया फोर्स लग रहा होगा तीसरा इधर फोर्स लग रहा होगा है ना चौथा इधर लग रहा होगा पांचवा इधर लग रहा होगा ठीक है बट सबका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलेगा सबका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे आके मिलेगा एक कॉमन पॉइंट पे मिलेगा है ना ये भाई साहब यहाँ पे सीट बेल्ट लगा के बैठे हुए हैं है ना कुछ काम कर रहे होंगे है? है कि नहीं क्या है सीट बेल्ट लगा के काम करना होता है अदरवाइज सावधानी हटी दुर्घटना घटी है ना तो सीट बेल्ट लगाए हुए हैं इस पे कुछ काम कर रहे हैं So, तो तो ये था आपका प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग फील्ड का एग्जाम्पल है ना ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ऐसा so, <coughs> मैंने काफी डिटेल में है जो आपका टेंशन मेंबर को डील किया है इसके बाद है जो यहाँ पे टॉपिक है जो हम एंड करते हैं है ना पूरी तरह से ये जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे को सही से पढ़ने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो वो जो मैं स्टार्ट किया था उसका मैं सेकेंड लेक्चर है जो कल डालूंगा है ना सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ एनर्सिया का क्योंकि उसका काफी यूज होगा हर क्वेश्चन बनाने में यूज होगा जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ एनर्सिया नहीं निकालने आएगा उसको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा है ना क्योंकि सिलेंडर रेशियो क्या होता है मोमेंट ऑफ एनर्सिया क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं ये सारी चीज काफी परेशान करेगा है ना अब पूरा स्टील स्ट्रक्चर का जो सबसे मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कनेक्शन के बाद है जो इसी से पूछा जाता है कंप्रेशन मेंबर से है ना सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना बट इसको अच्छे से समझने के लिए आपको मोमेंट ऑफ एनर्जी काफी अच्छे से आना चाहिए तो उसको मैं एक दो लेक्चर उसमें प्रोसीड कर दे दूंगा है ना चैनल सेक्शन आई सेक्शन आपका एंगल सेक्शन का मोमेंट ऑफ एनर्जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं है ना वो आप वो यदि आप अच्छे से सीख लेते हैं तो ये चैप्टर है जो काफी सिंपल हो जाएगा सो नेक्स्ट क्लास में सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, जितने ज्यादा ज्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें है ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ एनर्सिया का है जो सेकंड लेक्चर हम लोग देखेंगे है ना सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट जय हिंद